वेलकम बैक। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो। यस सर, यू आर ऑडिबल। राजेश सर, राइट, स्क्रीन दिख रहा है? प्रवीण जी, यू कैन लीव। प्रवीण जी, यू कैन लीव। या थैंक यू। वी विल टॉक आफ्टर 12। नाउ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ यू, द नेक्स्ट सेशन इज हाउ टू मेक एन पर्सनल ग्रोथ प्लान फॉर एनहांसिंग सेल्फ नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड। रश्मि सिंह मैम। यस सर। मैम, कितने सालों से आप पढ़ा रही हैं? सर, 16 साल से। मैम, आपका लास्ट एजुकेशन क्या था? आईटी। मैम, एक एग्जांपल के लिए मान लें कि मुझे नौकरी मिलती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद। मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, ठीक है? मेरी आवाज मिल रही है मैडम आपको? रश्मि मैम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस सर। मेरा मेरा क्वेश्चन है, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? हेलो, आप सुन पा रही हैं? यस सर, यस सर। मेरा क्वेश्चन है कि मान लो मैं मैकेनिकल इंजीनियर था सर, और मुझे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद मुझे एक आईटीआई पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की नौकरी मिल गई सर, और मैं पीछे की 15 वर्षों से वहां पढ़ा रहा, ठीक है मैडम? सर, एक मिनट, क्या आप अपने क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मेरा प्रश्न था कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे आज से 15 साल पहले एक कॉलेज में नौकरी मिल गई टीचर की सर। तो ये नौकरी मुझे क्यों मिली थी मैडम? क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। यस सर। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती थी, इसलिए नौकरी मिली थी, ठीक है ना मैडम? सर, यस और नो? यस सर। 15 साल से मैं उसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के बेसिस पर नौकरी कर रहा हूं, यस और नो? यस सर। अब एक क्षण के लिए केवल आप ये सोचो कि पीछे के इतने वर्षों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या वही है जो मैं 15 साल पहले पढ़ा था? जी नहीं। तो मेरा तो जो नॉलेज था जिस पर मुझे इस महीने की सैलरी मिल रही है जी, वो 15 साल पुराना था। जी जी। तो क्या मैंने पूरे साल में एक दिन भी, एक घंटा भी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिलेबस बदला है वो देखने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की? करना पड़ता है सर, सिलेबस चेंज होता है तो। नहीं की मैडम। जी। आपने जो पूरे साल देखा वो अपने कॉलेज के सिलेबस को देखा जी, वहां क्या चेंज हो रहा है? ये सर, ये सर।
सर आप म्यूट हो गए। अपने को अनम्यूट करें और मेरे से बात करें। शशिकांत, केतन राम साहू, निलेश, एनीवन इज देयर? कोई है? हर्षिता यस सर। मैडम, जो आपका लास्ट एजुकेशन क्या था? सर एमबीए किया है मैंने और फिर मैं पीएचडी कर रही हूँ। लेटेस्ट भी एमबीए? यस सर। आज से कितने साल पहले एमबीए किया था मैडम? 2010 में किया सर मैंने। 10 साल हो गए? यस सर 11 साल। क्या आपको लगता है कि जो एमबीए 10 साल पहले आपने जो किया था, उस 10 साल में उसके सिलेबस में चेंज हुए होंगे, नहीं हुए होंगे? चेंज सर, काफी सारे बहुत तो चेंज हो गया होगा। यस सर। पूरे पिछले 12 महीने को आप उठा ले, आपने जो एमबीए का सिलेबस बदला है, जिसके बेसिस पर आपको नौकरी मिली है, उस बदले हुए सिलेबस को दोबारा ठीक समझने के लिए आपने पीछे के 12 महीने में कितने घंटे का एफर्ट्स किया? 0 आवर मैम। यस सर। माई बेसिक ऑब्जेक्शन इज हियर, आई गॉट ए जॉब बिकॉज आई वॉज एन MBA, आई वॉज एन इंजीनियर, आई वॉज ऑन ITI, आई वॉज दिस, आई वॉज दैट, राइट? एंड इन द लास्ट स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स द सिलेबस एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड। तो आई माई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अपडेट माई सेल्फ? यस और नो? यस सर। तो हमें क्या करना चाहिए था मैडम? हमें हर साल थोड़ा समय निकालना चाहिए था अपने आप को अपडेट करने के लिए। यस और नो? यस सर। मोतीलाल टुड्डू, मोतीलाल टुड्डू जी, मैडम, माई सबमिशन टू ऑल फॉर टुडेज ऑल द सेशंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग अ टीचर आई शुड ग्रो। द प्रेजेंट ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, not only on the basis of knowledge, habit, behavior, attitude and actions. Meri baat clear hai madam? Yes sir. So for last year and this year, agar main baat karun as a person, as an individual, to aapka kya growth hua? मैं क्वांटिफाई करने बोलूं, एक जगह एक पन्ने पर लिखने बोलूं कि आपने पीछे के एक साल में क्या ग्रोथ किया, बहुत मुश्किल होगा लिखना मैडम। यस सर डेफिनेटली। क्योंकि मैंने रोज काम किया है, ग्रोथ क्या किया? आई अटेंडेड एन नंबर ऑफ वेबिनार्स, सो व्हाट? व्हाट आई अक्यूमुलेटेड एज अ पर्सन, व्हाट skills I had enhanced in my person. मैंने अपना personal growth क्या किया? मेरी बात clear है? Yes sir. भोला जी? Yes sir, yes sir. आप quantify कर सकते हैं एक साल में the person भोला जी का growth क्या होगा? Once again, can you repeat the question, sir? मेरा सवाल है कि आज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, आपकी पर्सनालिटी, आपके नॉलेज, आपके एटीट्यूड, आपके स्किल में क्या ग्रोथ हुआ एक साल में? काफी, lots of changes, sir. आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि इस एरिया में ग्रोथ हो गया, इस एरिया में ग्रोथ हो गया? There are tremendous change. If I take
इंडिविजुअली माई सेल्फ बिग चेंज. ये जो चेंजेस है पूरे एक साल का, यस सर, ठीक है. मेरा हमेशा ये सजेशन होता है कि जैसे हम ये सोचते हैं कि मैंने जो अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए, तो 2014 से 15 में क्या ग्रोथ किया, 15 से 16 में क्या हुआ, 16 17 में क्या हुआ, मैं उसका एक ईयर टू ईयर मार्क करता हूं कि हर साल क्या ग्रोथ हो रहा है इसका. यस सर. उसी तरीके से एज ए पर्सन भोला जी में पीछे के 5 साल में क्या ग्रोथ हुआ, उनके नॉलेज में, उनकी स्किल में, उनके बिहेवियर में, उनके हैबिट्स में, उनके एटीट्यूड में, उनके एक्शन में, उनके सेल्फ कमिटमेंट में क्या ग्रोथ हुआ. दैट नीड टू कम इन एन ग्राफ, तभी आपको पता चलेगा कि पीछे साल तो कुछ खास नहीं हुआ, उसके पहले बहुत हुआ था. तो इस साल हमें यहां यहां पर रेक्टिफाई करना, यहां यहां पर करेक्ट करना. मैंने केवल एक छोटा एग्जांपल दिया कि आपने जो पढ़ाई लास्ट की थी, जिसके बेसिस पर आपने नौकरी पाया था, उस पढ़ाई में सिलेबस में चेंज हो गया काफी, तो आपने क्या अपडेटेड सिलेबस से अपने को अपडेट किया? Of course, we have to see the things. Yeah, yes or no? Yes, I did. करना चाहिए, लेकिन किया या नहीं किया? ये तो बहुत कुछ सबको पता है, ये करना चाहिए. करते हैं क्या? Not completely, actually. सर, जैसे हम दशहरे में 10 दिन का पर्व मनाते हैं, हाँ, ईद में सोचते हैं कि सभी से गले मिल लेना चाहिए, अपने पूरे जीवन में ना, पूरे साल में वेरियस फेस्टिवल्स मनाते हैं, वैसे ही एक फेस्टिवल ये भी मनाना है कि अपडेशन ऑफ माय बेसिक नॉलेज. दिस इज द वीक ऑफ अपडेशन ऑफ माय बेसिक नॉलेज. तो एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आई नॉर्मली डू इट. पूरा फर्स्ट वीक अक्टूबर मैं 7 दिन यही करता हूं कि जो मेरा बेसिक नॉलेज था, जिसके बेसिस पर मुझे नौकरी मिली है, उसके चेंजेस को मैं करेक्ट करता हूं. आप भी करो, बहुत मजा आएगा. सो वी ऑलवेज नीड टू क्रिएट अ पर्सनल ग्रोथ प्लान. सर, आपने एक लेसन प्लान बनाया हाउ टू टीच, राइट? ये किसके लिए था सर? मेरे लिए, स्टूडेंट के लिए. दैट इज फॉर माई सेल्फ. नो सर, इट इज फॉर स्टूडेंट, सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न थिंग्स बेटर. नो सर, हियर आई माय परसेप्शन इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू यू नो प्रिपेयर माई सेल्फ. नो, इट इज द इंटायर लेसन प्लान एक्सरसाइज इज डन सो दैट योर स्टूडेंट कुड लर्न बेटर. यस, दैट इज हेल्पिंग यू टू गिव बेनिफिट टू योर स्टूडेंट. Yes, for the preparation purpose. Yes, sir. Right? तो आप जो सुबह से इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं और सुबह से रात तक जितना भी काम करते हैं, इट इज फॉर अदर्स, इट इज नॉट फॉर यू. ओके. आपने अपने अंदर नए स्किल डेवलप किए ताकि बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें. ठीक है ना सर? यस सर. तो मेरा ग्रोथ कहां हो रहा है? मैंने अपने लिए क्या किया? फर्स्ट सेशन मैंने आपके साथ लगाया ताकि आप यह समझ पाए कि आपके जीवन में आपका इंस्टीट्यूट, आपका परिवार, आपके स्टूडेंट्स के अलावा भी एक आदमी है जो आप खुद हैं. यस सर. सो यू नीड टू गिव सर्टेन टाइम टू योर सेल्फ ऑल्सो. The certain time for what purpose, sir? To develop yourself. So when, sir, to make your life more meaningful. Here I have some query. Yes, please. This query. See, if anyone, any of the you know human being or when they start doing any work, sir, when they start doing any job, sir. So they prepare themselves for each and every day, sir, and they go for workplace and they perform and come back.
there is also one kind of what we call preparation, and the happiness also one factor which you know which gives the what we call satisfaction to the person. Here what I want to tell you, if you are telling, you take some time to make yourself what we call effective, or make yourself little more tuned and all, where we have a time to do so, sir? We don't have much time to do so, sir. Nobody has time for anything, sir. Jeevan itna fast, sir. Jeevan itna fast chal raha hai ki apne paas koi time nahi hai. Phir bhi holi ka din aata hai aur hum sara din holi khel lete hain. Ji. और फिर उसके रंग को छुड़ाने का 2 घंटा और समय निकालते हैं, उस कलर्स को हटाएंगे. अच्छा सर, अगर हम यस क्लास, यस और नो, अग्री करता हूं सर. अगर मैं क्लास की तैयारी करके जाता हूं, लेसन प्लान करके जाता हूं, फुल प्रिपेयर होकर जाता हूं, देयर इज आल्सो वन काइंड ऑफ लर्निंग. नो सर, इट इज रिहर्सल ऑफ योर नॉलेज, पॉलिशिंग ऑफ योर नॉलेज दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग विद यू. ओ, दैट इज वन काइंड ऑफ रिहर्सल. इट इज नॉट, it is a kind of exercise, right? Practice. It is an exercise to polish your knowledge. Okay, understood, sir. Thank it you. Is an exercise for the presentation. Okay. It is an exercise to do some effective work over there with the same knowledge. Okay, sir. My question is, being a teacher, are you giving you time to have a different additional knowledge with you? Yes, sir. आपका पर्सनल ग्रोथ कहाँ है? That I want to know from you. Really, I am confused. Yes, that's great, great sir. I want to know from you. That is the objective of today's session. Yes, sir. That I want to know from you. How you manage yourself? Right. In this. So this is the process. The first thing is you need to aware yourself कि आपको चाहिए क्या. तो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया, इफ मैडम ने एमबीए किया 10 साल पहले जी. तो एमबीए का सिलेबस 10 साल में बदल गया क्या? बहुत आसान है देखना. आपने जिस कॉलेज से एमबीए किया उसका 10 साल का पहले का सिलेबस और आज का सिलेबस आप कंपेयर कर लेंगे, यू विल फाइंड कि दीज थिंग्स हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड न्यू इन द सिलेबस, राइट? यस. सो दैट गिव यू अवेयरनेस, I need to learn these things again. ठीक है? Yes sir. The other method of knowing, getting yourself aware, is different. Sir, आज का जमाना मल्टी स्किलिंग का है. Yes sir. Sir, for example, आप क्या पढ़ाते हैं बोला जी? सर, मैं फूड एंड बेवरेज डील करता हूं सर. लेट्स फूड एंड बेवरेज, राइट? यस सर. द इंटायर इंडस्ट्री ऑफ फूड हैज चेंज्ड फॉर लास्ट 3-4 इयर्स, एंड द चेंज इज ड्रास्टिक चेंज आर देयर. इट इज नॉट पीरियोडिकल चेंज और अ प्रॉपर ग्रोथ, इट हैज बीन चेंज्ड ड्रास्टिकली. यस सर. ओके सर, आप इस चेंज को प्रैक्टिकली खुद देख पा रहे हैं क्या? मेरा सवाल है, देख पा रहे हैं क्या? As for my concern, how can I say in? No, yes or no? Yes, sir. I can see that changes. Are you able to see these changes yourself? Yes, sir. I can. No, sir. How come, sir? मैं बताता हूँ. चलो एक दूसरा एग्जाम्पल सामने देता हूं. इफ somebody इज टीचिंग मैकेनिक्स, राइट? मैकेनिक्स में वो पढ़ा रहा है, एक क्रेन पढ़ाता है, ठीक है? द इंटायर क्रेन टेक्नोलॉजी क्या वही है जो 2010 में था, 2015 में था, जो आज है? Some modifications, it happens. Change, technology बदली है, technology बदली है. But the root remains. Aware है sir? क्या वो aware है कि कौन सी industry में एक technology बदली है? They must know, must be in that mechanical. क्या वो aware है कि कौन सी industry में एक technology बदली है?
उसे पता होना चाहिए कि एलएनटी ने अपने इंडस्ट्री में क्रेन टेक्नोलॉजी बदल दी, अब वो इस तरह के क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। यस, और उसे एलएनटी के साइट्स पर घुसना चाहिए, क्योंकि एलएनटी ने अगर क्रेन टेक्नोलॉजी बदली होगी ना, तो नई टेक्नोलॉजी पर उसने कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर या कुछ न कुछ अपने वेबसाइट पर या कुछ न कुछ यूट्यूब पर डाला होगा कहीं ना कहीं। यस सर। सो क्या वो उस नई टेक्नोलॉजी को खुद सीख पाया? After seeing that, they can enhance this knowledge from n number of methods. After seeing is one of them. Yes, sir. After seeing is one of them. But it is not applicable for all the technical organizations. Let's come on the webinar. Your topic, right? It's not possible for all the technical. Let's come to your topic. Yes, sir. आपके syllabus में जो पूरी फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, yes, sir. अभी उसका जो पूरा सप्लाई चेन है, आप देखो पीछे के 2 साल, पीछे के 5 साल में कैसा बदला है। आप उन बदले हुए टेक्निक्स को आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तभी बच्चों को पढ़ा पाएंगे आप। यस सर, वी हैव टू गो फॉर वर्कशॉप ट्रेनिंग। आपके बच्चों की सिलेबस में ना वो 2-5 साल बाद आएगा, लेकिन वो बच्चे जब नौकरी करने जाएंगे ना, तो उनसे आज पूछा जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, इंडस्ट्री इज चेंजिंग एवरी डे, बट सिलेबस डू नॉट चेंज एवरी डे। द चेंज ऑफ इंडस्ट्री इज इनकॉर्पोरेटेड इन सिलेबस अराउंड 1 to 2 year डिलेड। Are you agree with me, sir? Yes, sir. It is not frequent change. Teacher, if he is concentrated only on syllabus, he is not able to see the changes in the industry. Yes, sir. If his teacher is not able to see the changes in industry, he is not able to equip himself with those changes. So for this kind of way, in that way, he will not give the information and knowledge of these changes to their students, and in then their student will pass out and go to the industry. They are unaware of these new changes. This yes, is sir. An area of gap which gives you awareness where a teacher should acquire additional knowledge. But that we have to go for some workshop for. Is different. Yes, sir. But you need to aware yourself that what changes you should incorporate in you in year 2021-22. Yes, sir. Am I clear with you, sir? 100%, sir. So once a teacher understand, aware, what are the changes I should incorporate in myself, then he will focus how to do this. The first is awareness. Clear? Yes, sir. I'm giving you certain examples. Let's on the physical health. You need to concern yourself. Do I get enough physical exercise every day? Do I eat balanced diet? Do I have हेल्दी स्लीपिंग शेड्यूल्स? आप अपने से ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा, और जो आंसर मिलेगा उससे आप समझ पाएंगे कि फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए मुझको। ओके, अवेयरनेस का पार्ट है। आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल। ओके, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटल हेल्थ। एम आई काइंड टू माई सेल्फ एंड डू आई मेक हेल्दी चॉइसेस फॉर माई सेल्फ? Do I reach out for help when I need it? Do I know how to calm myself down when I am in stress? अगर मैं अपने से सवाल पूछूंगा कि जब मैं स्ट्रेस में होता हूं तो क्या मैं अपने को शांत कर पाता हूं, तो मुझे जवाब मिलेगा हां या नहीं, तब मैं सोचना शुरू कर पाऊंगा कि कैसे अपने को शांत करूं। If you know your problem, then you will search for a solution. So first thing is awareness.
लेट ऑन द पर्सनल ग्रोथ। डू आई मेक टाइम फॉर लर्निंग टू इंप्रूव माई स्किल एंड नॉलेज। मैंने कल बात किया आपसे माइक्रो टीचिंग की, राइट? माइक्रो टीचिंग में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेरे स्किल्स हैं जिसको मुझे इनकॉर्पोरेट करना अपने टीचिंग हैबिट में। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा, अगर आप अवेयर ही नहीं होंगे, तो आप इनकॉर्पोरेट क्या करेंगे? मेरी बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप। डू आई हैव रिलायबल फ्रेंड्स एंड पीपल आई कैन काउंट ऑन? कितने फ्रेंड्स और कितने रिलेटिव्स आपके हैं आसपास जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं? डू आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विद अदर पीपल? डू हैव अ हेल्दी रिलेशन विद माय इन एंड अराउंड पीपल सराउंडिंग मी? अगर मुझे प्रॉब्लम पता होगा तो मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगा ना। यस सर। Example in the finances, do I make smart choice with my money? Do I have money goals with me? Do I keep track of my finances? Agar mujhe pata hi nahi hoga to main kaise solution nikalunga? Like career, like home. And the second, when I get aware, the second thing is I need to focus. फोकस क्या? अब एक एग्जांपल सामने आपके है पर्सनल ग्रोथ पर, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, आइडेंटिटी, टैलेंट, ड्रीम्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एस्पिरेशन, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। बोला जी, मैं फिर आपसे ही बात कर रहा हूं सर। सर, आप अपने जीवन की 10 जरूरतों को अवेयर हो गए कि दीज आर माई एरियाज वेयर आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ। यस सर। एक कागज पर आपने लिख लिया। जब आपने लिखा, एक मान लो आपने लिखा कि मुझे इलेक्ट्रिकल स्किल्स पर थोड़ा और ज्ञान समझना पड़ेगा। यस। आपने लिखा मुझे सप्लाई चेन पर और समझना पड़ेगा। आपने लिखा कि मुझे अपने कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा। मुझे अपने एंगर पर काम करना पड़ेगा। मुझे अपने वॉयस पर काम करना पड़ेगा। ऐसे आपने 10 पैरामीटर्स अपने कागज पर लिख लिए, राइट? अब उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आउट ऑफ 1 to 10, 10 सबसे अच्छा, 1 सबसे खराब। तो आपका जो आवाज है क्लासरूम में, उसको आप कितना नंबर देते हैं 1 से 10 में? 8 नंबर मान लो, उसमें आपने 8 नंबर दिया, 8, ठीक है? और आप कितना एंगर या कितना काम रहते हैं क्लासरूम में, कितना ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, उसको आपने 4 नंबर दिया। नॉलेज को आपने 2 नंबर दिया। सप्लाई चेन को आपने 8 नंबर दिया। आपने सबके नंबरिंग कर दिए 100 पॉइंट के। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन वीक है मेरा एकदम। तो आप 1-2 वीक एरिया पकड़ लेंगे और उसको पहले फोकस करेंगे। सो दैट दे बिकम एवर एवरेज। जिसको आपने 2 नंबर दिया था वो भी 6 तक ले आए। यस सर। तो आप फोकस करने के लिए आप सबसे पहले आप एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा, आपको पता चल गया अवेयरनेस में कि ये सारा प्रॉब्लम है मेरा, वेयर आई नीड टू इंप्रूव माई सेल्फ फॉर दिस इंटायर 1 ईयर। इस साल में मैं ये इंप्रूव करूंगा। यस सर। और इसमें ये मेरा प्रॉब्लम एरिया है, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसको सेकंड प्रायोरिटी, जिसको थर्ड प्रायोरिटी, राइट? उसके बाद आप इवेल्युएट करते हैं अपने आप को। यस सर। व्हाट डज दिस एरिया ऑफ माय लाइफ लुक लाइक राइट नाउ? व्हाट इज मिसिंग और नॉट वर्किंग फॉर मी इन दिस एरिया? जैसे आपने देख लिया कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, राइट? तो क्या गड़बड़ी है इसमें?
तो आपने पाया कि आपको एक प्रश्न को दो बार पूछना पड़ता है। आप एक बार प्रश्न पूछ देते हैं, बच्चा फिर बोलता है प्लीज रिपीट सर। ओके, इसका मतलब है कि आप एक बार में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज आई एम नॉट क्लियर विथ माई कम्युनिकेशन। यू आर नॉट क्लियर विथ योर कम्युनिकेशन। बच्चा आपकी बात एक बार में नहीं समझ रहा है, दूसरी बार बोलते हैं तो समझता है। यस सर। आपको अपना प्रॉब्लम एरिया पता चल गया, इवेल्युएट कर लिए, देन यू कैन वर्क फॉर दैट। मेरी बात क्लियर है? यस सर, 100%। देन यू स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, सोचना शुरू करो कि मैं मुझे दूसरी बार क्यों बोलना पड़ा और दूसरी बार मैं कैसे समझ गया हूं, तो पहली बार क्या गलती हुई थी। तो कुछ गलती हुई होगी, दूसरी बार में समझा, पहली बार में नहीं समझा, कुछ मिसिंग होगा पहली बार में। यस सर। क्या मिसिंग था? आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे ना, अपने आप में पूछोगे, तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा ये गड़बड़ी हो सकता है। So either either I can ask to student where you are finding me wrong. Let me no know. No, don't do it. No, never sir. Do it. So I have never to analyze it. Myself. I have to analyze myself. This is your world, sir. Sir, I ask you. Sir, one thing I need to ask you. Consider if me and you are talking together, and while talking, I in flow I forgot what I told. I have to check with you, sir. Either. Something I went wrong or something I did wrong or something I told wrong, kindly remind me. So can't I check with you? No sir. Why sir? May I know the reason? Sir, if I am not able to identify my fault. Sir. Yeah, student aur teacher ka jo relation hai ye bhagwan aur bhakt ka hota hai. Bhagwan kabhi galti nahi kar sakte, और जो गलती करते हैं वो भगवान नहीं होते, इंसान होते हैं। आपको कभी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ऐसा है सर। और आपकी गलती बच्चों को पता नहीं चलनी चाहिए। आपकी गलती आपको पता चलनी चाहिए और उसका रेक्टिफिकेशन आपको खुद करना चाहिए। सर, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। देयर आर मेनी केसेस आई हैव फेस्ड, आई हैव सीन, I don't find myself in any kind of any fault in me. I never go through all this. I thought whatever I am giving it is best, but I have to check with the student either they are understanding. No, don't check with the student. The best thing is you record yourself. Okay, that is what. Just you record yourself and listen everything. I do that. Whatever I am talking with you, I am recording everything, and I will listen these recording myself to rectify myself. So recording is one of the best tool to correct. It's the best tool. One thing is, if you are ready to improve yourself, if you are mentally ready to improve yourself, then your recordings is best teacher. Then what about feedback? Feedback is important if you are not able to analyze yourself. Then you are taking someone help to analyze yourself. A teacher, whosoever teacher is, if he is a teacher, he is able to analyze. Okay, good idea sir. Good idea. Teacher hai to analyze to kar hi lega. वो तो है सर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक चीज बोलता हूँ, अपनी गलती किसी को खुद से नहीं दिखता है सर, दैट इज व्हाट। केले में सबको दिखता है सर, साइकोलॉजिकल, दिस इज साइकोलॉजिकल। केले में सबको दिखता है। आई डिडंट एक्सपीरियंस इट सर, टू बी वेरी फ्रैंक, सॉरी। मैं आपको एक गलती दिखाता हूँ सर। आई डिडंट एक्सपीरियंस इट। मैं आपको एक गलती दिखाता हूँ। आपने मोबाइल पर कोई अपना फेवरेट गाना जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर लो। हाँ सर। और कमरा बंद करके उस गाने को पूरे ध्यान से, हाँ सर, एक बार देखना, दो बार देखना, जी सर, पांचवा बार देखना, पांच बार देखने के बाद आप छठे बार यह सोचकर देखना कि जो एक्टर है जो इस गाने में परफॉर्म कर रहा है
उसके मूवमेंट्स कहां कहां गलत हो रहे हैं। 5 बार उस गाने को आप देख चुके होंगे तो 6ठे बार आपको उस एक्टर के डिमेरिट्स भी दिखेंगे, 10वें बार आपको उसके पीछे की सारी जो पीछे की डांसर्स है ना उसके मूवमेंट्स के एब्स प्रॉब्लम सब दिखाई देने लगेंगे। इट विल टेक 1 आवर ऑफ योर टाइम। You have to focus and observe the things, right? You need to focus and observe things with an objective of fault finding. आप ये एक्सरसाइज करके देखना, आपको सारी अच्छे वाले गाने भी गलत गलत दिखेंगे। So I should not check with the student whom I'm teaching. No, you should not. That's great, sir. You are a teacher, and you are not supposed to do any mistake in the class. That's do great. Not evaluate yourself. That's great. Great, sir. Very good. Very good. I do not give the opportunity to anyone to evaluate myself. But the feedback is the process, you know, which is used to. Similarly, I am taking feedback from you. Then why every feedback? Day I am taking feedback from you. Then the one feedback? Of the questions are there, which gives me understanding of my teaching. For example, मैं example देता हूँ। आज मैंने 10 ऐसी बातें बताईं जो आपको एकदम से पसंद आनी चाहिए थी। ठीक है? जी सर। और मैंने आपसे पूछा कि 2 अच्छी बातें बताओ जो टेक अवे है आपका। तो उस 10 में से ही 2 आपको लिखना चाहिए था ना? जी सर। आपने उस 10 में से 2 नहीं लिखकर कोई नई 2 लिख दी। इसका मतलब मैं प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाया। उसका मतलब है मुझे अगले सेशन में, अगले एफडीपी में ये चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, फीडबैक शुड बी अ फीडबैक फॉर मी, बट फॉर यू इट शुड नॉट बी अ फीडबैक। देन फॉर अ स्टूडेंट यू आर द बेस्ट, फॉर योर कलीग्स, फॉर योर प्रिंसिपल, फॉर योर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यू आर द बेस्ट। But you know that you need to develop, you need to correct in these areas. No one is perfect. Meri baat clear hai, sir? Yes, sir. Very, very good, sir. We need to do brainstorming. What could need to be changed in order to score 1 point higher? Hame na hamesa ye sochna chahiye ki main 1 point kaise padhu. Example, mere communication ko maine 2 point diya hai. अच्छा, तो मैं 2 से 10 की तरफ नहीं जाना चाहता हूं, मैं 2 से 3 पर जाना चाहता हूं। क्या ऐसा करूं को 3 हो जाए? अब देखो 2 चीजें हैं। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने कहा कि सर रिपीट इट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, या आपने कहा सर प्लीज रिपीट, आई एम नॉट एबल टू लिसन। दोनों 2 चीजें हैं। यस सर। अगर वो सुन नहीं पाया तो ये प्रॉब्लम मेरे वॉयस का है, मेरे पिच का है, मेरे टोन का है, उसके अटेंशन का है। यस सर, अंडरस्टैंड। अगर वो समझ नहीं पाया तो मेरे क्वेश्चन पूछने के ढंग का गड़बड़ी है, मैंने गलत क्वेश्चन फ्रेमिंग किया है। तो पहली बार मुझे पिच वॉयस ठीक करना है और दूसरी बार मुझे क्वेश्चन के सेंटेंस रिकंस्ट्रक्ट करने हैं। मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो मुझे क्या करना, मुझे केवल अपने उस पॉइंटर में से 1 पॉइंट ऊपर बढ़ने का सोचना है ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो वी हैव टू डू ब्रेनस्टॉर्म्स फॉर आवरसेल्फ, राइट सर? योरसेल्फ ओनली, इट इज योर एक्सरसाइज, योर बेबी। मैं हमेशा कहता हूं क्लास के बाद जब आप इन करते हैं अपने कमरे में, तो यू नीड टू राइट ए नंबर ऑफ थिंग्स। हम आगे सेशन में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको नोट डाउन करनी है आफ्टर क्लास, राइट? आफ्टर क्लास। जैसे मैं कुछ चीजें अभी हाईलाइट कर देता हूं। एग्जाम्पल, आपने क्लास में पढ़ा दिया, जी सर, 50 बच्चों से आपने प्रश्न पूछे, 50 बच्चों में से 10 से पूछा, 40 को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 50 से नहीं पूछ सकते, टाइम नहीं है।
जी सर, वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। तो आपने कहीं मेंशन किया कि किन बच्चों से आपने प्रश्न पूछा था? नहीं, किसने जवाब दिया, किसने जवाब नहीं दिया, ताकि अगले क्लास में जो 3 दिन के बाद आप जाएंगे तो नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे आप? यस सर, राइटली सेड। ये सब आपके दिमाग में है। और एट द एंड ऑफ 40 क्लासेस देयर आर 10-15 स्टूडेंट इन योर क्लास हु इज फेवरेट एवरी टाइम यू आर आस्किंग फ्रॉम देम ओनली। रेस्ट 30-35 स्टूडेंट्स आर फीलिंग नेग्लेक्टेड। यस सर, यस सर। It is very practical, very general. Because you are not mentioned somewhere कि आपने किससे क्या पूछा और किसको नहीं पूछा। Yes, sir. Got it. So another thing is creation of your plan. You need to plan yourself, set a time frame. जैसे मान लो हमने एक time frame दिया 6-8 वीक का, और मैंने एक ऑब्जेक्टिव जो उठाया था अवेयरनेस का, एक अवेयरनेस की ऑब्जेक्टिव मैंने उठाए थे, इसको मैं पूरी साइकिल को 6 वीक में पूरा कर लूंगा। 6 वीक में जो पॉइंटर्स मैं 2 दे रहा था वहां मैं 8 पर आ जाऊंगा। yes, sir. मतलब साल में मैंने जो 10 पॉइंट्स उठाए थे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, ये एरियाज है जहां मैं अवेयर हूं मुझे करेक्ट करना चाहिए, साल भर में मैं सब करेक्ट कर दूंगा। यस सर। अगर मुझे पता हो करेक्ट क्या करना है, मैं फोकस्ड हूं, मुझे जानकारी है, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूं, मैंने प्लान बनाया, प्लान इंप्लीमेंट किया, तो हो जाएगा। You have to do lots of tasks for it. My God. So teacher is a very difficult profession. Yes, sir. Agreed. Agreed. You want to be 100% effective over there. It is not easy. Easy job. My God. It is not easy job, sir. Delivery a lecture is very easy. But there should be a, when you are delivering something, it but should if be a student will remember you whole through his life, it is not easy. Yes, sir. Yes, sir. एकदम आपसे सहमत है हम. सहमत है। किसी के मन में कोई प्रश्न है? इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। Sir, in upcoming, there are 2 more days now left over. We have a Friday, Saturday now. Is there any group exercise out there? No. We do not have time for that, sir. Okay, no problem. Just I'm checking. So, we do not have time. Okay. Reason behind. Since people are spread in 10 different states, right? Yes, sir. And content wise, time is very less with us. Understood, sir. अच्छा लगा सर। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो अपने को अनम्यूट करें और पूछें। Yes, sir, I have a question. Please. Sir, I just want to know that should the students get the liberty of selecting the teachers for themselves? They do. Every time they do, man. They are not informing, but they are doing. आप पाएंगे कि किसी क्लास में फुल अटेंडेंस होता बच्चों का और किसी टीचर के क्लास में बच्चे नहीं आना चाहते। तो बच्चों ने but in few institutes they are given liberty to select the teachers who will be teaching them in the next semester or next year. It is an method of 360 degree evaluation of teacher, and it happens with an normally it happens with an visiting faculty, because visiting faculties are, you can change any visiting faculty at any given time.
So you are taking a privilege from the students, asking a preference of a student whether this faculty will come or not. And that is very beneficial for the institution as well as teacher. I'm giving you an example, madam. Six yes, of different MBA programs, I used to be called for 3 days in whole of semester. एक सेमेस्टर में मुझे वो 3 दिनों के लिए बुलाते हैं किसी एक पेपर पर बात करने को. मैं उन 3 दिनों में तकरीबन 15 घंटे पढ़ाता हूं. आप जिस सेमेस्टर में जिस टॉपिक को आपने 40, 45, 50 घंटे पढ़ाए हैं, मैं उसी टॉपिक को 15 घंटे डिफरेंट ओरिएंटेशन पर वापस पढ़ाता हूं. और ऐसा मैं अभी 5 इंस्टीट्यूट के साथ करता हूं. तो मैं 6 महीने में 15 दिन इन 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाता हूं. एंड दैट कम्स विथ एन चॉइस. स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग मी कि उनको बुलाया जाए थोड़े दिनों के लिए. सो इट इज एन मेथड, इट इज एन प्रोसेस to incorporate certain new things in your teaching. मैं ये नहीं कहता मैडम कि आपने गलत पढ़ाया या कम पढ़ाया या ठीक नहीं पढ़ाया. आपने अपनी एबिलिटी के बेसिस पर सबसे अच्छा पढ़ाया. लेकिन दुनिया जैसे बदल रही है, उस बदली हुई दुनिया में बदले हुए नॉलेज की जरूरत है. If you are not updating yourself, as I had told just now, you need some help from outside. I had 2 more things to say on today's session. हम सबों के इंस्टीट्यूट से बच्चे प्लेसमेंट में जाते हैं, जॉब में जाते हैं. जॉब में जाते ही उनका एस्पिरेशन होता है कि उन्हें खूब पैसे मिले. और जब वो जॉब में जाते हैं तो उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, 10-15 हजार रुपए. और बहुत दुखी होते हैं वो कि भाई सोचा था इतने पैसे मिलेंगे और मिल 10-15 हजार रहा. तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम नौकरी छोड़ देते हैं या डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं. वो नौकरी करेंगे तभी उनकी सैलरी ठीक होगी. वो नौकरी में टिकेंगे तभी उनकी सैलरी अच्छी होगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की अंडरस्टैंडिंग उनके पास हो और पर्सनल ग्रोथ के प्लान्स उनके पास हो. तो मेरा रिक्वेस्ट है ऑल द इंस्टीट्यूट्स, सभी पार्टिसिपेंट्स, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं, आप अपने यहां अपने बच्चों के लिए अगर ऐसा कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो माई नंबर, माई मेल आई डी इज देयर. It is being offered free of cost. इसके कोई पैसा नहीं लगते. आप अपने इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. हम भारत सरकार की तरफ से मदद करेंगे. And that is, you not to invest a single naya paisa on that. But these things are mandatory even for your students to understand things and manage themselves with whatever salary they had been offered initially. If they are in the job, if they are able to sustain in the job in a year or two, then they will get a good salary on the building. Thank you. Thank you, everyone. We will meet again tomorrow at 10 a.m. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much.